तो और भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग को OB44 के कुछ न्यू चेंजेस के बारे में दिखाने वाला हूँ जो शायद से आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो जो सबसे पहला जो चेंजेस है, आप लोग बहुत टाइम ना परेशान होते होंगे कि ग्रुप में आप खाली बात करने के लिए आए लोगों से एंड आपको इनवाइट पे इनवाइट भेजे जा रहे बंदे लोग, एंड अब जब उसके अपने दोस्त का इनवाइट नहीं लेते हो तो फिर वो बाद में बोलते हैं भाई तू एटीट्यूड दिखा दे, आजकल मेरा रिक्वेस्ट नहीं लेता है, ऐसा करता है, ग्रुप में ऑनलाइन बैठे रहते हैं, मुझसे नहीं खिलाते या फिर ऐसा वैसा। तो अभी OB44 अपडेट के बाद में शायद से आप लोग को इस टाइप का एक अपडेट देखने के लिए मिलेगा जहां पे आप खुद को मतलब सेट कर सकते हो। देखो, एक तो यहाँ पे ऑनलाइन का है जो कि नॉर्मल होता है, आपको लोग रिक्वेस्ट भेजेगा आप ऑनलाइन दिखोगे, ठीक है, नॉर्मली आप किसी का भी एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो। और दूसरा होगा डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे अगर आप किसी कोई भी आपको अगर भेजता है ना रिक्वेस्ट वगैरह तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा। मेरे हिसाब से ना ये डू नॉट डिस्टर्ब की जगह ऑफलाइन का आना चाहिए कि हम खुद ही अपने स्टेटस को ऑफलाइन करके रखेंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि हम खेल रहे कि नहीं खेल रहे, है ना, कमाल का अपडेट है। उसके बाद एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा रेडी टू टीम। तो मतलब इसको जब करके रखोगे ना, आपको अगर कोई भी इन्वाइट भेजते हैं तो फटाक से आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक टाइप का अपडेट है। तो ये अपडेट आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। गाइस, दूसरा अपडेट आप लोग ग्राफिक्स के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक FPS का ऑप्शन आ चुका है, तीन तीन। पहले हमें नॉर्मल और हाई FPS देखने के लिए मिलता था, तो अभी हमें तीन तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। एकदम मैक्स कर सकते आप लोग खेल सकते हो और इनहेंस कर सकते हो और नॉर्मल कर सकते हो। शायद हाई के अंदर आपको 90 FPS का भी सपोर्ट मिल जाए जैसे BGMI के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये काइंड ऑफ काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि एक्चुअली में क्या होने वाले, कितने FPS अगर आपको मिलेगा। लेकिन मेरा PC के अंदर 100 ऊपर मिल रहा है, वो आपको लोगों को बाद में देखना होगा कि इतना आपका फोन में FPS सपोर्ट ले रहा है। और एक और अपडेट है जो कि काफी कमाल का है, अगर आप किसी बंदे को डैमेज देते हो ना तो आपको यहाँ पे देखो एनिमी हेयर करके आ जाएगा। तो अगर हम लोग वहां पे टैप कर देते तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी को मारते हो तो मार्क करने में आपको डिस्टर्ब होता है, आपको कवर आना पड़ता है तब मार्क करना पड़ता है, तो काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभी अगर आप नॉर्मली ऐसे डैमेज देके यहाँ पे टैप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा, आपके टीममेट को पता भी चल जाएगा इस डायरेक्शन पे बंदा है, जो कि काफी अच्छा एक अपडेट है। और साथ में आप लोगों को व्हीकल कंट्रोल भी देखने के लिए मिलेगा, पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो हर एक बटन को कहाँ पे आपको रखना है। तो काफी कमाल कमाल का अपडेट आने वाले OB44 के अंदर। और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि PC प्लेयर अनबैन होएगा कि नहीं। नहीं गाइस, PC प्लेयर तो अनबैन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, 32 का ही लॉबी आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप स्क्वाड करके भी रैंडम स्टार्ट कर दे रहे हो लेकिन फिर भी स्टार्ट हो जा रहा है अब, लेकिन 1v4 करना पड़ रहा है आपको। मतलब ऐसा नहीं, पता नहीं आप अकेले ही आ रहे हो। तो इसके ऊपर एक बेसिकली हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि PC का क्या सीन है, अनबैन हो चुका है कि नहीं, मतलब मैच मेकिंग अनबैन इन द सेंस। अभी तो नॉर्मली आप लोगों का लग जाता है, अगर आप BR वगैरह में तो पुश कर रहे हो खुद ही PC के अंदर तो मैच मेकिंग तो चालू हो जाता है, वैसा कोई इशू नहीं है। खाली लॉबी 20 का आ रहा है एंड सारे मतलब PC प्लेयर ओपोनेंट्स में रहते हैं, जो कि अच्छी है, बट 50 प्लेयर का खेलने का मजे अलग होता है। तो गाइस, आज के कुछ अपडेट मैंने आप लोगों को दिखाया, कैसा लगा ये सारे चेंजेस आप लोग कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।